पीटीआई के जो दो अराकीन है सिंधसमनी, उनमें से एक करीम बख्श गबोल साहब, जिन्होंने भी आज कहा वो हमारे साथ है कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन करीम साहब, सर बहुत शुक्रिया, इमरान इस्माइल साहब ने बताया कि जी आप तो पहले ही मतलब पीटीआई से तो नाला थे ही, और आप पीटीआई की बेंचेस पर तो बैठ ही नहीं रहे थे, तो आपका तो पुराना ही झगड़ा चल रहा है पीटीआई से। करीम साहब वालेकुम सलाम जी, बादामी साहब, हमें इन्हीं से ही नाला था। इमरान इस्माइल साहब जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब से मैं अपने एमएलए से और कुछ पार्टी के दीगर जो है वो एमएलए से अहदेदार थे उनसे ही मैं नाला था, इस वजह से जो है वो इमरान इस्माइल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कहना तो टेक्निकली कहना ठीक नहीं होगा ना कि आपने आज पीटीआई छोड़ी है, आप तो पीटीआई छोड़ चुके थे ना पहले ही, मतलब अमलन। मैं पीटीआई छोड़ नहीं चुका, मैं आपको बताऊं कि मैंने उस वक्त ये सारे इश्यूज इनके दरमियान देखे, तो इसलिए मैंने उनको उसी टाइम, ये अप्रैल 2021 की बात है, ठीक है, 4 अप्रैल 2021, जी जी, उसमें मैंने इनको कहा है कि जी मेरी रुकनियत मौतल कर दें, क्योंकि जो आप लोग आप लोगों के अंदर हालात मुझे नजर आ रहे हैं आगे चल के बहुत बड़े मसाइल क्रिएट होंगे, तो इस वजह से मैंने तो इनको उसी टाइम जो है ये बात क्लियर कर दिया था। तो सर फिर आप उन्हीं के सीट पर सिंध असेंबली के मेंबर बने, तो आपको उनसे इख्तलाफ है, तो फिर आप तो इस सीट को भी छोड़ देना चाहिए कि यार मैं नहीं, मैं नया मैंडेट लेके आऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा इनकी सीट पे, सही पार्टी तो नहीं, मैं, नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनको तो लिख के दिया, अब उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि ये बात जो है ये सुने बादामी साहब, मैंने जब लिखकर दे दिया था उस वक्त के अपोजिशन लीडर को, और उसके बाद वो लेटर चला गया गवर्नर के पास, इमरान इस्माइल उस टाइम गवर्नर था, और उसके बाद जो है वो ये पीएम था एक्सपीएम इमरान खान, उस तक ये लेटर गया, और इमरान खान साहब ने खुद ही रोक दिया कि नहीं जी इस वक्त से कराची से जो है वो सिंध से किसी से इस्तीफे ना लिए जाए, क्योंकि कराची के अंदर 30 MPA और 14 MLA हमारे आए, तो कराची के अंदर हमारा टेम्पो टूट गया। आखिर में ये बता दें, अभी सुनने में ये आ रहा है कि सिंध असेंबली में शायद एमकेएम का अपोजिशन लीडर आ जाए, ऐसा लगता है? देखें ये तो अपोजिशन के ऊपर है, अपोजिशन सिर्फ पीटीआई नहीं है, अपोजिशन